ऑर्किड में कीट और रोगों की बहुत कम ही संख्या देखने को मिलती है। अगर हम कीट की बात करें तो ऑर्किड में एक ही कीट का प्रकोप देखा जाता है, वह है स्नेल और स्लग। यह कीट ऑर्किड के पत्ते, तना और फूल को काफ़ी हानि पहुंचाता है। अगर यह कीट आपके खेत या आसपास दिखाई दे तो इसे चुनकर तुरंत नष्ट कर दें। रोग की बात करें तो आमतौर पर ऑर्किड में तीन रोगों का प्रकोप देखा गया है, जिनमें पहला है ब्राउन रोट। इस रोग से नियंत्रण के लिए क्राउन में पानी को न जमने दें। इसके लिए दिन में जल्दी पानी देना चाहिए और रात में नमी कम बनाए रखनी चाहिए। इसके बावजूद भी आपके पौधों में इस रोग के लक्षण दिखाई दे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 0.5 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करनी चाहिए। ऑर्किड का दूसरा रोग है बैक्टीरियल ब्राउन स्पॉट। इस रोग का प्रकोप पौधों के तनों और पत्तों पर देखने को मिलता है। इससे नियंत्रण के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन 0.5 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ऑर्किड में लगने वाले तीसरे रोग का नाम है ब्लैक रोट। इस रोग के लक्षण जड़ और पत्तों पर दिखाई पड़ते हैं। नियंत्रण के लिए मेटालेक्साइल 2 ग्राम या डाइमेथोमोर्फ 50% WP प्रति ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अब बात ऑर्किड के फूलों की तुड़ाई की। जी हाँ किसान भाइयों, यह एक महत्वपूर्ण विषय है कि आप फूलों की तुड़ाई किस स्थिति में करें ताकि इसका बाजार भाव ज्यादा से ज्यादा मिले। जब ऑर्किड के फूल 75% खुल जाए और शेष कलियां बंद हो तब फूलों की डंडी की तुड़ाई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार ऑर्किड की संरक्षित खेती कर ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।